हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर श्वेता गोयल एंड यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग मास्टर द फाइनेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। सो हियर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको टेंथ के बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, करियर ऑप्शन। सो हियर इज अ सीरीज, मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ। इसमें आपका क्या है, आपको पता चलेगा कि आप क्या कौन से सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप चुनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बाद आपके पास जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो ये सब चीजें आपको इस सीरीज में पता चलेगी। सो स्टे ट्यून्ड इन द लास्ट एंड देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ओके, सो दिस सीरीज इज व्हाट नेक्स्ट। ओके, अब आगे क्या, इस सीरीज का नाम है व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आफ्टर टेंथ। आप सबको पता है टेंथ क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगी जिससे कि आपको आगे करियर चुनने में आपको आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मैनी ऑप्शन आफ्टर टेंथ। यू कैन गो फॉर इंटरमीडिएट, ट्वेल्थ क्लास, पॉलिटेक्निक, आईटीआई। ओके, आईटीआई भी आप कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी आप कर सकते हैं टेंथ के बाद। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं जो 6 मंथ और 1 ईयर के होते हैं, और दे आर प्रोफेशनल कोर्सेज, और यू कैन गो फॉर द जॉब ऑल्सो। ओके, एंड सम कैन गो फॉर द IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बट Only some colleges are there who can give the admission on the merit basis. Okay, the merit basis, 10th की merit basis पे कुछ IIIT आपको admissions देते हैं, but you have to clear the 12th also. Okay, अगर आपको IIIT में आपको entrance चाहिए तो आपको इसके लिए 12th क्लियर करनी ही पड़ती है, बट कुछ IITs हैं, IIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कुछ हैं जो आपको 10th की मेरिट बेस पर देती है। आई थिंक हैदराबाद IIIT हैदराबाद है, ठीक है, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको जनरल आइडिया दूंगी कि आप इसमें किसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट आप कर सकते हैं 12th क्लास के लिए, 11th 12th आप कर सकते हैं, 2 ईयर्स का होगा। पॉलिटेक्निक के लिए आप जा सकते हैं, वो आपके 3 ईयर की होती है, जिसको आप डिप्लोमा भी कहते हैं। ओके, डिप्लोमा आप इसे कहते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। आईटीआई आप कर सकते हैं, वो आपका 2 ईयर का होता है। पैरामेडिकल में आप जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आप जा सकते हैं, और अदर कोर्सेज आपके होते हैं लाइक ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी में जा सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसके लिए भी आपको 12th करना होता है। बट सम कॉलेजेस और सम प्रोफेशनल कोर्सेज आर देयर हु कैन गिव द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 10th। अगर आप 10th के बाद अपना किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 12th का आपको पता है, इंटरमीडिएट में आपको पता है, आप You can go for the 3 streams, that is science, commerce and arts. Okay, you all know that you can go for the science stream and commerce stream and arts stream. Science stream में अगर जाते हैं तो आपके पास option होते हैं, PCM ले सकते हैं, जिसमें आपका physics, chemistry, maths होता है। आप bio, physics, chemistry ले सकते हैं, जिसमें आपका आपको मैथ्स नहीं मिलना पड़ता, आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, अगर आपने अपना स्कोप बनाया है या आपका मन है इंजीनियरिंग में जाने का है, तो आप क्या PCM लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उससे आप इंजीनियरिंग के रास्ते आपके लिए खुलते हैं, आर्किटेक्चर के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो आपके लिए मेडिकल के आपके रास्ते खुलते हैं, मेडिकल में लाइक जैसे डेंटल हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, MBBS हो गया। अभी हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे मेडिकल के बारे में। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, MBBS, यू कैन गो एनीथिंग फॉर दैट। यू हैव टू क्लियर सम एग्जाम फॉर दैट एंड देन यू कैन गो फॉर दिस मेडिकल। ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं आपके 12th के बाद और 10th के बाद, तो प्लीज स्टे टिल द लास्ट। नाउ आप यू कैन गो ऑल्सो गो फॉर लाइब्रेरी साइंस। ओके, आप इसमें लाइब्रेरी साइंस के लिए भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपके जो रास्ते खुलेंगे वो खुलेंगे पब्लिक और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। ओके, आपके इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, न्यूज एजेंसीज, लाइब्रेरियन के एज अ लाइब्रेरियन आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर
के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइब्रेरी साइंस का होता है। नेक्स्ट होता है आपका मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एमबीपीसी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आप तीनों ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, या आप दोनों में अपना करियर ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एक ले सकते हैं। उसमें आपका क्या होता है, आपको इंजीनियरिंग में मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मेडिकल का बायो भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन होता है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है दोनों में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसमें फिजिक्स के लेक्चर आपके अपलोड किए हुए हैं, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, तो मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको क्या है, ऑप्शन खुलते हैं इंजीनियरिंग के, एमबीबीएस के, डेंटल के, आयुर्वेदा, किसी के भी आपके ऑप्शन खुल सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, इफ यू चूज कॉमर्स स्ट्रीम ओके एंड आर्ट्स, you can go for both, okay, commerce and art stream, there is options। आप अगर commerce में जाते हैं तो commerce के आपके subject होते हैं common, commerce, economics and civic, okay, this is commerce, economics and civil, okay, you can go for that। and अगर arts में आप जाते हैं तो आपको history, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स आप ले सकते हैं एक ऑप्शन, एक ऑप्शन आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। ठीक है, आप कोई भी आप इसमें से स्ट्रीम चुन सकते हैं, आप चुन सकते हैं कॉमर्स, अगर आप चुन सकते हैं इसमें आपको आप ले सकते हैं इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक, कॉमर्स के लिए है। अगर आप आर्ट साइड जाते हैं तो आपको हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ओके हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब यहाँ पे आपका कॉमन है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स आपका कॉमन है, और आप यू कैन गो फॉर वन सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें आपके जो करियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यू कैन गो, और कॉमन ही होते हैं दोनों में, आप जा सकते हैं बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कॉमर्स में करेंगे तो आप बीकॉम करेंगे, और आर्ट्स में करेंगे तो आप बीए करेंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, दोनों में आपका ये डिफरेंस होता है। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से ट्वेल्थ कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स होता है, बीकॉम होता है आपका सिंपल ऑर्डिनरी बीकॉम होता है, बीकॉम आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी होता है। आजकल क्या हो गया, स्पेशलिटी हो गई, पहले क्या होता है सिंपल एक बीकॉम होता था, अब आपके पास स्पेशलिटी हो गई कि यू कैन गो फॉर बीकॉम अकाउंट, बीकॉम फाइनेंस, बीकॉम बैंकिंग। ओके, दीज आर सम इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी क्राइटेरिया, यू कैन चूज फॉर दैट। देन यू कैन गो फॉर द बीबीए, बीबीए आप इसमें तीनों में ले सकते हैं, बीबीए आप साइंस में भी ले सकते हैं, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी। बीसीए आपको मैथ्स में ले सकते हैं, आप उसमें बीसीए में आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, तो आप उसे आर्ट्स में और साइंस में ले सकते हैं। लॉ आप तीनों में ले सकते हैं, अगर आप लॉ के लिए जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस तीनों में आप लॉ ले सकते हैं। सीए के लिए आप जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ऑप्शन, एंड यू कैन गो फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड डिप्लोमा ऑप्शन। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड डिप्लोमा ऑप्शन यू कैन ऑल्सो गो फॉर। तो दीज आर सम करियर ऑप्शन फॉर यू आफ्टर इंटरमीडिएट। ओके, अगर आप ट्वेल्थ के सॉरी यू कैन गो फॉर द दिस स्ट्रीम्स। ओके, तो ये है आपका कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आप क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शन खुलते हैं आफ्टर साइंस ट्वेल्थ, और कॉमर्स लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास खुलते हैं, आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा ऑल्सो। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर था वो था हमारा डिप्लोमा। फर्स्ट हमने आपको बताया इंटरमीडिएट, सेकंड इज पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा। अब हम बात करते हैं अगर आप टेंथ के बाद इंटरमीडिएट नहीं करना चाहते, ट्वेल्थ अगर आप नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो गो फॉर पॉलिटेक्निक। ओके, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, 3 ईयर का होता है, इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, दैट इज योर जीप, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पॉलिटेक्निक। ओके, यू कैन गो फॉर दैट। जीप का एग्जाम आपको देना पड़ता है, जैसे आपको इंजीनियरिंग के लिए आप जी का, जे डबल ई का देते हैं, ऐसे ही पॉलिटेक्निक के लिए आप जीप देते हैं, दैट इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पॉलिटेक्निक। ओके, ये आपका होता है, ये भी आप दे सकते हैं। इसमें आपकी वही स्ट्रीम्स होती हैं जैसे आपकी बीटेक में होती है, बस ये 3 साल का आपका होता है। इसमें आपको मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, आप उसमें देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका इसका होता है जीप का। ठीक है, तो ये आप
आपके सब ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप जिससे आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने का आपका फायदा क्या होता है, अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप पॉलिटेक्निक करें तो क्यों करें, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक करने से आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं जेई के, जूनियर इंजीनियर्स के, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, आप पॉलिटेक्निक कीजिए, आप अपने स्टेट के, आप जिस भी स्टेट में इसको देख रहे हैं, आप वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। यू आर एलिजिबल फॉर जेई जूनियर इंजीनियर फॉर स्टेट एग्जाम्स। ओके, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द स्टेट एग्जाम्स। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर द बीटेक। ओके, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया, ठीक है, आपने टेंथ के बाद आपको मन नहीं मन था कि इंटरमीडिएट करें, तो आपने पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका मन हुआ कि आपको डिग्री भी चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या कर सकते, बीटेक कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द बीटेक ऑल्सो। ओके, बीटेक आपने क्या किया, पॉलिटेक्निक जिस स्ट्रीम से किया उसी स्ट्रीम में आप बीटेक कीजिए, आपको लेटरल एंट्री मिलती है। आपको इसके लिए भी एक एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक के बाद, बीटेक के बाद, सॉरी पॉलिटेक्निक के बाद आपका एक एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उससे यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो। ओके, यू कैन गो फॉर द लेटरल एंट्री आपको मिलती है, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप जाते हो, और आप अगर डिप्लोमा करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ट्वेल्थ, यू आर एलिजिबल एज अ ट्वेल्थ स्टूडेंट। ओके, आपको ये ट्वेल्थ स्टूडेंट की तरह ही आप एलिजिबल होते हो, बट यू कैन गो फॉर द बीटेक लेटरल एंट्री। ओके, आपको लेटरल एंट्री के नाम से आप जाते हैं, एलई आपको मिलता है, एलई में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एएमआईई। ओके, एएमआईई इज इक्वलेंट टू बीटेक। ओके, इट इज इक्वलेंट टू बीटेक। ये क्या होता है आपका, आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस बीटेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉलिटेक्निक आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, किसी किसी की फैमिली इश्यूज है कि आप पढ़ नहीं सकते आगे, बट यू वांट बीटेक, यू वांट डिग्री, तो यू कैन गो फॉर द एएमआईई बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, आपको केवल एग्जाम देने होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर डिग्री। ओके, आपको डिग्री मिल जाती है एएमआई की, जिससे इक्वलेंट टू बीटेक होता है। आप उसे किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, एएमआई आपका होता है, और तो आप एएमआई कर सकते हैं, उसमें आपको क्या होता है, केवल एग्जाम देने होते हैं, क्लियर करने होते हैं, और यू कैन गो विद द दिस इज यू कैन क्लियर विद योर जॉब्स ऑल्सो। ओके, लेट सपोज आपने पॉलिटेक्निक किया, आप किसी भी जगह आप जेई लग गए, सुपरवाइजर लग गए, आपने जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर द 14,000 to 15,000 मंथ जॉब फॉर आफ्टर पॉलिटेक्निक। ओके, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गई, आप जॉब के साथ बीटेक भी करना चाहते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर द एएमआई। आप एएमआई करते हैं, एएमआई के बाद आप बीटेक के लिए इक्वलेंट हो जाते हैं, आपको बीटेक की डिग्री, एएमआई की डिग्री मिलती है, तो आपको डिग्री मिल गई। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द डिग्री कोर्सेज ऑल्सो। ओके, आपको डिग्री के लिए भी आप एलिजिबल हैं, डिग्री आपकी हो गई है, यू कैन अप्लाई फॉर द डिग्री पोजीशंस। ओके, आपको डिग्री की पोजीशंस में जो जॉब है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आप एएमआई की डिग्री होती है। तो ये पॉलिटेक्निक का आपका ऑप्शन है कि आप पॉलिटेक्निक के लिए भी जा सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर आईटीआई, थर्ड ऑप्शन वॉज आईटीआई। सो आईटीआई इज ओनली फॉर टू ईयर्स, आपका दो साल का आईटीआई होता है, आप दो साल के आईटीआई करते हैं। आईटीआई में आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो आपका होता है प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, आप इसमें फिटर के लिए कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं, सिविल कर सकते हैं, सिविल में आप ड्राफ्टमैन कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए कर सकते हैं, मैकेनिकल में आप रेडियो, टीवी, मोटर व्हीकल, ये आपके ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा स्ट्रीम आप चुनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, मोटर, रेडियो, टीवी, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, ठीक है, आपको ये कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर का है, सर्वेयर का है, वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, फायरमैन का है, एंड पेंट टेक्नोलॉजी में आप आईटीआई कर सकते हैं, मरीन टूल्स में आप, मशीन टूल्स में आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आईटीआई ऑप्शन के लिए जाते हैं तो आपके पास इसमें भी स्टेट एग्जाम के ऑप्शंस खुलते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं। जब आपके कभी स्टेट में कोई एग्जाम निकलता है तो यू कैन गो फॉर द आईटीआई, उसमें स्पेशलिटी मांगी होती है कि आईटीआई हमें चाहिए, तो उसमें आप फोर्थ क्लास में आपका डी तो आप उसमें कर सकते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, आपका इसमें ग्रुप डी
और ई, ग्रुप डी और ई में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ITI का ऑप्शन है। नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर पैरामेडिकल। पैरामेडिकल इज फॉर 3 ईयर्स, यू कैन गो आफ्टर 10th पैरामेडिकल। पैरामेडिकल इज फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में आपका क्या क्या आपको कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो DLMT, दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स आप कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए आप कर सकते हैं मेडिकल लैब में। DHFM आप कर सकते हैं, दैट इज डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। डॉट डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सब आप अपने 10th के बाद आप कर सकते हैं। इसमें भी आपकी गवर्नमेंट ऑप्शन ऑप्शंस खुलते हैं, बट ये आपका डिप्लोमा होता है, ये सब आपका डिप्लोमा होता है, ठीक है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज कम है। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पैरामेडिकल, यू कैन सर्च ऑप्शंस बाय द इन अ गूगल, ओके। आप यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हैं और आप गूगल में सर्च मार सकते हैं। नाउ यू कैन गो फॉर सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ओके। आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी जा सकते हैं। ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या होते हैं, जिसके लिए आपके ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्स आपके क्या होते हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है, 6 और 1 ईयर का होता है, और ये आपके क्या होते हैं, ऑफिस वर्क के लिए होते हैं, और आप कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे आप शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। लाइक अगर आप DTP कर सकते हैं, DTP आपका होता है डेस्कटॉप पॉलिशिंग पब्लिशिंग कोर्स होता है। टैली आप कर सकते हैं, टैली आपका होता है अकाउंट्स से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप ऑफिस में अकाउंट्स बनाने का काम होता है, आप उसमें कर सकते हैं। टैली आजकल मांगते हैं, ठीक है, तो टैली के नए नए वर्जन आते हैं जिसमें आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट आप कर सकते हैं, ग्राफिक्स आप कर सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स के लिए आप कर सकते हैं। एनिमेशन का कोर्स आप कर सकते हैं, एनिमेशन से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनिमेशन का शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स भी आ गए अब एनिमेशन के, आप वो कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग का आप कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग भी आजकल बहुत पॉपुलर है। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत पॉपुलर है। दीज आर सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज और यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिकल वर्क ऑल्सो, ओके। नाउ बेसिक कंप्यूटर आप कर सकते हैं, जो आपका यूज हो सकता है, लाइक जैसे कहीं ऑफिस में आपको टाइपिंग एक्सेल वगैरह मांगते हैं तो आप वहां पे आप कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी ऑफिस के लिए आप बात करते हैं तो आपको क्या आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग बहुत ज्यादा मांगी जाती है आजकल, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग तो सबको आती है, हिंदी टाइपिंग बहुत कम लोग सीखते हैं। तो हिंदी टाइपिंग आप सीख सकते हैं तो आपका रिज्यूमे बढ़ सकता है किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ। नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर डिफेंस, ओके। आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, डिफेंस में आपका अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 10th। तो डिफेंस में आपको इंडियन आर्मी में आपकी पोस्ट होती है 10th के बाद। 10th के बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है पोस्ट वॉर सोल्जर इन टेक्निकल गार्ड, ठीक है। आपकी टेक्निकल गार्ड में होती है, उसमें आपका एग्जाम होता है, वो होता है इंडियन आर्मी सोल्जर क्लरिकल एग्जाम्स, क्लर्क्स एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम आपका होता है इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन, एक एग्जाम आपका होता है इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल एग्जाम्स, ओके। ये एग्जाम्स आपके होते हैं इंडियन आर्मी के लिए। एयरफोर्स में आपके नॉन टेक्निकल गार्ड होती है, दैट इज IAF, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन नॉन टेक्निकल ट्रेड एग्जामिनेशन आपके होते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। नाउ इंडियन नेवी होता है, इंडियन नेवी में आपके कौन सा होता है, इंडियन नेवी डॉक यार्ड अप्रेंटिस, इंडियन नेवी आर्टिफिशियर अप्रेंटिस, ये आपके दो ऑप्शंस खुलते हैं 10th के बाद, ठीक है। एक आपका ऑप्शन CRPF में खुलता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका खुलता है। CRPF के जवान जो होते हैं वो 10th के बाद आप बन सकते हैं, BSF के जवान आप बन सकते हैं 10th के बाद, और आप SSC के लिए जा सकते हैं, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जाते हैं आप SSC में, ठीक है। तो दिस इज सम ऑप्शन, देन यू कैन गो फॉर द यू कैन गो फॉर आफ्टर 10th। नाउ आई विल टेल यू सम एग्जाम्स विच कैन यू गिवन आफ्टर 10th, ओके। सम स्कॉलरशिप एग्जाम्स आर देयर, सो यू कैन गो फॉर द आफ्टर यू कैन गो आफ्टर 10th, ओके। आप कुछ एग्जाम्स होते हैं आपके, आप जा सकते हैं किसी भी
एग्जाम में, तो आपका होता है एक NSTSC एग्जाम होता है, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है। इसको देने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, उस स्कॉलरशिप से आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। NTSC होता है आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, एक आपका होता है KVPYC, ठीक है, वो आपका क्या होता है, दैट इज योर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY, ओके, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये आपका होता है, यू कैन गो फॉर दैट एंड देन यू आर बी एबल टू गेट द, इफ यू क्लियर दैट यू आर बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप। एक होता है एसेट का एग्जाम होता है, दैट इज असेसमेंट ऑफ स्कॉलर्स टेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी टेस्ट, ये आपका एसेट का एग्जाम होता है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एसेट। नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर INMD, दैट इज इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ओके, सबको पता है मैथमेटिकल ओलंपियाड, ऐसे ही आपका फिजिक्स ओलंपियाड भी होता है, यू कैन गो फॉर दैट इफ यू आर वेरी 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 गुड फॉर फिजिक्स, इन फिजिक्स यू कैन गो फॉर द फिजिक्स ओलंपियाड ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑप्शंस यू कैन गो फॉर आफ्टर 10th। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट यू कैन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर क्वेरीज। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स सो दे कैन बी एबल टू गेट द गेट देयर करियर ऑप्शन, दे विल बी एबल टू चूज देयर करियर ऑप्शन। बिकॉज आपका क्या होता है, आप लोग 10th के बाद सोचते हैं हमें क्या करें क्या करें क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द लास्ट, सो थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।